गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जैसा कि बच्चों आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती क्या है, तो अगर इसको जाने कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है क्या, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम क्या है। आपको बताया आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोटेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट द आवर बॉडी फ्रॉम पैथोजन, और पैथोजन को आप बोल सकते हो फॉरेन बॉडी। ठीक है, आपका जो इम्यून सिस्टम आपको पैथोजन से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है, उसके अलावा आपको बचाता है किससे, डिजीज से। आपका इम्यून सिस्टम है आपको प्रोटेक्ट करता है किससे, पैथोजन से, इन्फेक्शन से और डिजीज से। होता क्या है कि जैसे आपकी किसी भी ह्यूमन पर्सन है उसकी बॉडी में कोई भी फॉरेन जो एंटीजन है वो एंटर करता है, तो अपनी बॉडी है वो उस फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक रिएक्शन शो करती है। ठीक है, वो इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स में करती है। ठीक है, उस एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाती है, मतलब अपनी बॉडी है उस स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन के रेस्पॉन्स में क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही है। ठीक है, हाँ है ना। ठीक, अब होता क्या है कि जैसे हाइपर सेंसिटिव में होता क्या है कि अपनी जो बॉडी है वो ओवर रिएक्ट करने लग जाती है, ओवर रिएक्ट करती है। ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी होती क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। अपन कह रहे थे कि अपना जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी एंटीजन के रेस्पॉन्स में रिएक्ट करता है। ठीक है, मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी बॉडी में इंटर हुआ, फॉरेन एंटीजन है वो बॉडी में इंटर हुआ, तो बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। ठीक है, अब हाइपर सेंसिटिविटी में क्या हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी में बॉडी है वो हाइपर रिएक्ट कर रही है, बॉडी हाइपर रिएक्ट कर रही है, दूसरी चीज अबव रिएक्ट कर रही है, अबव रिएक्ट कर रही है, उसके अलावा ओवर सेंसिटाइज हो रही है। ठीक है, और अपनी बॉडी का जो अडेप्टिव मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। मतलब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है क्या, अपनी बॉडी है किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ओवर रिएक्ट कर रही है, हाइपर रिएक्ट कर रही है, अबो रिएक्ट कर रही है और ओवर सेंसिटाइज कर रही है। साथ साथ में क्या कर रही है, उस पैथोजन को किल करने के साथ साथ बॉडी या होस्ट उसको डैमेज भी कर रही है। ठीक है, हाँ या ना, तो वो चीज़ है। तो हाइपर सेंसिटिविटी है क्या कि बॉडी हाइपर रिएक्ट कर रही है, अबो रिएक्ट कर रही है और ओवर सेंसिटाइज हो रही है किसी स्पेसिफिक
एंटीजन या फॉरेन बॉडी के रेस्पॉन्स में, ठीक है। और बॉडी का जो सेल्फ टॉलरेंस है, बॉडी का जो सेल्फ टॉलरेंस है वो फेल हो जाता है, ठीक है। सेल्फ टॉलरेंस है वो फेल हो रहा है। साथ साथ में क्या हो रहा है, अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के जो सिम्टम्स की अगर बात करें, सिम्टम्स की अगर बात करें तो सिम्टम्स है वो माइनर से लेके पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब वो माइनर सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो माइनर सिम्टम्स हैं जिसमें पहला जैसे स्किन इन्वॉल्व हो रही है, स्किन इन्वॉल्व मतलब हाँ स्किन इन्वॉल्व हो रही है, स्किन में जैसे मान लो एक्जिमा है एंड अर्टिकेरिया है, उसके अलावा आई इन्वॉल्व हो रही है, आई में कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। उसके अलावा इचिंग ऑफ आईज, उसके अलावा राइनोरिया, वो भी इन्वॉल्व हो रहा है। और लास्ट मोमेंट पे क्या हो सकता है कि पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो सिंपली अगर अपन बात करें, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो मेनली चार टाइप की है। कौन कौन सी, हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब जैसे इनके जो डिवीजन किए हैं कि एक तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, वो डिपेंड करता है बेस्ड है किस पे बेस्ड है, ये चीज आप इनके डिवीजन कर रहे हो ये बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है सिंपली मैकेनिज्म दैट इज इन्वॉल्व, मतलब वो कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी जो क्या करेगी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो होगी, ठीक है। उसके अलावा सेकंड चीज पहला तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व और दूसरा कि दूसरी चीज टाइम ऑफ ऑनसेट। सेकंड चीज है टाइम ऑफ ऑनसेट, मतलब उस रिएक्शन को इनिशिएट होने में कितना टाइम लगा। पहली चीज तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व, दूसरी टाइम ऑफ ऑनसेट, मतलब उस रिएक्शन को इनिशिएट या हाइपर सेंसिटिविटी को रिएक्ट होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो पहली जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
ठीक है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसको अपन टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एक और नाम एटोपिक, और अलग नाम और है जिसको एनाफाइलेटिक रिएक्शन भी अपन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या, इसका जो अपन बोल रहे इमीडिएट, मतलब इसका जो ऑनसेट है वो 2 से लेके 30 मिनट, 2 to 30 मिनट है वो इसका ऑनसेट टाइम है, 2 to 30 मिनट है इसका ऑनसेट टाइम है, ठीक है। अब ये कैसे इनिशिएट हो रही है, ये इनिशिएट हो रही है एलर्जन से, मतलब एलर्जी फ्रॉम फूड, हाँ एलर्जी ऑफ फूड पोलन एंड इंसेक्ट स्टिंग से, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सिंपली इसमें होता क्या है कि जो एलर्जन्स है, जैसे एलर्जी फ्रॉम फूड पोलन इंसेक्ट स्टिंग्स है ना, अब इनमें एक तो स्किन इन्वॉल्व होती है, दूसरी चीज आई है, उसके अलावा नेजो फेरिंग्स है, ठीक है। अब आई में क्या होगा, आई में आर्टिक एरिया है, एक्जिमा है, और आई में कंजक्टिवाइटिस, और नेजोफेरिंक्स में क्या होगा, नेजोफेरिंक्स में राइनोरिया है वो अकर होगा। तो पहला है वो समझ में आया नहीं आपको, पहली जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन क्या है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या है एटोपिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और एनाफाइलेटिक रिएक्शन ये टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और इसका जो ऑनसेट टाइम है 2 से 30 मिनट, ठीक है, तब इसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। और ये होता किस वजह से, एलर्जी फ्रॉम फूड पोलन एंड इंसेक्ट, अगर इनके कांटेक्ट में है तो, और स्किन इन्वॉल्व है, आई इन्वॉल्व है, और नेजो फेरिंग्स है वो इन्वॉल्व है, हाँ है ना, ठीक है। उसके बाद में बात करें जो सेकंड टाइप की, अब सेकंड जो टाइप है, सेकंड जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, अगर उसकी अपन बात करें तो टाइप सेकंड जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो है एंटीबॉडी डिपेंडेंट, एंटीबॉडी डिपेंडेंट मतलब एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनेगी, और एंटीबॉडी है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करेगी।
ये सिंपली होता है किसमें, ये होते हैं ड्यू टू, अगर किसी भी पर्सन में अपन क्या कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से रिएक्शन फॉर्म हो रही है, मतलब जो ब्लड चढ़ाना था वहाँ उस एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी बन गई और बॉडी हाइपर रिएक्ट कर गई और टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी कोज हो रही है, मतलब एंटीबॉडी के रेस्पॉन्स में क्या बन रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी बॉडी में बन रही है, तो वो एंटीबॉडी पे डिपेंड कर रहा ना, और इसका जो ऑनसेट टाइम है, ऑनसेट टाइम है वो है 5 से 8 घंटे, ऑनसेट टाइम कितना है 5 से 8 घंटे, ठीक है। सेकंड टाइप है, टाइप सेकंड हाइपरसेंसिटिविटी कौन सी है, एंटीबॉडी डिपेंडेंट, मतलब एंटीबॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओवर रिएक्शन, हाइपर रिएक्शन, ठीक है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के टाइम ये होता है, और ऑनसेट टाइम है 5 से 8 घंटे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप थर्ड हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें होता क्या है, इम्यून कॉम्प्लेक्स, इम्यून कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स है क्या, आप कह रहे हो कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स होता ना उसको अपन इम्यून कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है तो एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है ना, उस वो इनसोल्यूबल इनकॉम्प्लेक्स होता है जो बॉडी में कहीं भी किसी भी साइट है वहाँ जाके जमा हो जाते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी कोज करते हैं, और ये किस वजह से होता है, जैसे मान लो कि ये अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस है, उसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इम्यून कॉम्प्लेक्स बना और बॉडी साइट पे जाके जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज हो गई। टाइप थर्ड क्या है, टाइप थर्ड है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन that occur due to immune complex and due to antigen antibody complex that are insoluble, insoluble and deposited on body site, okay, deposited on body site and causes immune complex hyper सेंसिटिविटी रिएक्शन। नेक्स्ट है फोर्थ, नेक्स्ट है फोर्थ, फोर्थ है टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप फोर्थ
हाइपर सेंसिटिविटी, इसको अपन बोलते हैं सेल मीडिएटेड, हाइपर सेंसिटिविटी, सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, और इसको अपन बोलते हैं डिलेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मतलब इसका जो ऑनसेट टाइम है, मतलब ये रिएक्शन है वो डिले होगी, तो ऑनसेट टाइम है 2 to 3 days। ठीक है, टाइप फोर्थ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, मतलब सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है, तो इसका जो ऑनसेट टाइम है वो है 2 to 3 days, और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू निकल एलर्जी, उसके अलावा पॉइजन IVY एलर्जी। ठीक है, टाइप फोर्थ डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। अगर इसको कंक्लूजन देके टाइप्स का, अगर हाइपर सेंसिटिविटी के जो रिएक्शन है उनके टाइप्स का कंक्लूजन देखें, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 4 टाइप की होती है, 1, 2, 3 और 4। पहली कौन सी है, पहली है इमीडिएट, ठीक है, और दूसरी है एंटीबॉडी डिपेंडेंट, और थर्ड है इम्यून कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ है डिलेड या सेल मीडिएटेड। तो आप कह रहे थे कि इमीडिएट जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो कितने टाइम में, 2 से 30 मिनट में अपनी रिएक्शन है वो शो करती है ना, ये 2 से 3 डेज में शो करती है, और जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट है ये 5 से 8 घंटे में शो करती है। इमीडिएट जो है वो एटोपिक है और एनाफाइलेटिक, ठीक है, और ये पोलन है, फूड है, और स्टिंग बाइट से होता है ना, और एंटीबॉडी मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान जो रिएक्शन है उससे जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज होती है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट। इम्यून कॉम्प्लेक्स अर्थराइटिस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसके सेंस में होता क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, किसके केस में, अर्थराइटिस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और डिलेड सेल मीडिएटेड, मतलब सेल के ऊपर जो टी सेल्स होती है, सेल के ऊपर जो टी टाइप की जो एंटीबॉडी होती है वो कॉज करती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है।